नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कटनी सलीमनाबाद थाना अंतर्गत घर से 2 दिन पहले मछली मारने को निकले दो युवकों की सिलपिरा नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक 2 दिन से लापता थे, जिनके परिजनों ने नदी और अपने आसपास के क्षेत्र सहित रिश्तेदारों के यहाँ भी खोजबीन की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। जिनके शव आज सुबह गांव के पास की नदी में बेशरम की झाड़ियों में फंसे हुए मिले। जानकारी के अनुसार सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के नरेंद्र कोल उर्फ लिंडू पिता दयाराम, मिथिलेश उर्फ जंगनू कोल पिता राजाराम निवासी कारी पाथर के दोनों युवक 2 दिन पहले घर से मछली मारने के लिए निकले थे, लेकिन घर लौटकर नहीं गए थे, जिनकी तलाश परिजनों ने हर जगह की थी, जिसके बाद आज सुबह दोनों युवकों के शव गांव की ही नदी में बेशरम की झाड़ियों में फंसे हुए मिले, जिसे ग्राम के ही लोगों ने देखा और गांव में जानकारी दी, जिसके बाद सलीमनाबाद थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करके दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। मेरा अभिषेक कुमार दुबे। ये कैसे खत्म हो गया? ये रात में परसों घर से बता के गए हैं कि मतलब हम जा रहे हैं कुछ काम से। अब इनकी बॉडी आज सुबह 8 बजे, 2 दिन से लापता थे परसों रात से, और इनकी बॉडी आज मिली है सुबह जब लोग खेत जाते हैं नदी में। सिलपरा नदी है, छोटी कारी पाथर ग्राम पंचायत मलिया में, तो पुरानी नदी है, तो उसी में इनकी बॉडी दोनों तैरती हुई मिली है। तो जब ग्रामीण जनों ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, डॉक्टरों को। मृतक का नाम था नरेंद्र गोंटिया, उम्र 29 वर्ष, पिता दयाराम, और मिथिलेश गोंटिया उम्र 24 साल। आज जो घटना हुई है, घटित हुई है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? इसकी जानकारी टीआई साहब के फोन मोबाइल फोन पर गांव वालों सरपंच द्वारा दी गई थी। तब टीआई साहब के हमरा संतराम एसआई संतराम यादव, केशव दुबोई और मैं अविनाश मिश्रा के शासकीय वहाँ से रवाना होकर छोटी कारी पाथर गए थे, जहाँ पर सिलपरा नदी में संतोष यादव के खेत के पास 2 व्यक्तियों की लाश पानी में नाले में तैरते हुए और झाड़ियों में फंसी थी, जिन्हें उपस्थित लोगों से मिलकर बाहर निकलवाए और शव का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम वास्ते शासकीय अस्पताल सलीमनाबाद रवाना किया।